कहाँ जा रहे हो? मैं सबको भाग रहे हैं, मेरा गांव कट रहा है, आप तक आज तक भी कोई उपाय नहीं कर रहा है, वो भेज देता है। जा रहे कहीं ढूंढने जगह, अगर कहीं सरकारी जगह होगा तो वहाँ प्लानिंग करेंगे। सरकारी जगह क्यों? मानसून के आते ही बिहार में फिर से बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। इसके साथ ही शुरू हो गई है गरीब गुरबों की परेशानी। दियारा इलाके में रहने वाले लोग फिर से पलायन को मजबूर होने लगे हैं। तस्वीरें भागलपुर जिले के नौगछिया की है, जहां गंगा और कोसी नदी फिर से भारी तबाही मचा रही है। दर्जनों गांव में कटाव हो रहा है, इससे लोग सहमे हुए हैं। तकरीबन 10,000 परिवार विस्थापित हो गए हैं। साथ ही दर्जनों गांव में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कहाँ जा रहे हो? मैं सबको भाग रहे हैं, मेरा गांव कट रहा है, आप तक आज तक भी कोई उपाय नहीं कर रहा है, वो भेज देता है। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? बहुत ही, मेरा घर कट रहा है जहांगीरपुर में, इसका कोई सुविधा नहीं सरकार जी दे रहा है। काहे, सरकार के मंत्री लोग तो आते हैं, कहते मंत्री हैं कि लोग आते हैं, बोरा गिरा देता है, नदी में सब कोसी में दहा जाता है। ये बोरा कब से गिराया जा रहा है? कब से? 6-7 दिन से गिर रहा है, पहले 4 साल बोकी था, उसमें पानी कम था, उसने नहीं कुछ किया। और जिस समय पानी आता है उस समय में ही काम होता है, उससे पहले काम नहीं होता? उससे पहले कोई काम नहीं, जब पानी जब देखता है घर कटने लगता है तब कोई काम शुरू करता है सरकार जी। कितनी समस्या हो रही है? 4 साल। कितना समस्या हो रहा है, दिक्कत कितना है? काफी दिक्कत हो रही, घर द्वार सब उजाड़ उजाड़ करके लोग सब फाइनल खाली कर दिया, खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा। पढ़ते हो? पढ़ते लिखते भी है। पढ़ाई में भी दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है, घर द्वार सब कट रहा है, कैसे पढ़ने जाएंगे, घर समेटेंगे पढ़ने जाएंगे? तो इतना दिन कैसे रहोगे फिर, जब बाढ़ आएगा तो कहाँ रहोगे? तब भाग जाएंगे यहाँ से, नहीं तो घर कटेगा तो कट जाएंगे, मैं सब भी चला जाएंगे, तब क्या करेंगे यहाँ? गांव के लोग कहते हैं कि उनके साथ हर साल मजाक होता है, प्रकृति उनकी गरीबी का मजाक उड़ाती है तो सरकार और प्रशासन में बैठे लोग उनकी लाचारी का। लोगों ने बताया कि हर साल कटाव रोधी काम कराया जाता है लेकिन सिर्फ नाम का। वो विरोध करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, और जब मानसून आता है तो वो अपना घर बार छोड़कर पलायन कर जाते हैं। ट्रैक्टर पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? जा रहे कहीं ढूंढने जगह, अगर कहीं सरकारी जगह होगा तो वहाँ प्लानिंग करेंगे। सरकारी जगह क्यों? घर मकान आप लोगों को नहीं है क्या? घर मकान जो था पानी में सवाल जा रहा है, कटनिया देख रहे भीषण कैसा लगा हुआ है, कोई करने के लिए काम तैयार है ना, जो काम जो अनुसार से काम होना चाहिए वो अनुसार से होवे नहीं कर रहा है। यानी कटाव के कारण आज आप लोगों को खुद का ही घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा है, आप कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे उसका कोई ठिकाने नहीं है अभी। कब से ऐसी समस्या है और कितने दिनों से आप लोग इस समस्या को झेल रहे हैं? 3-7 साल से ऐसा समस्या आ रहा है, लेकिन 1 साल से बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है, जिसमें कि 15-20 घर समा गया कोसी के कटाव में, और जो अनुसार से काम फ्लैट विभाग करना चाहिए वो अनुसार से हो ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता, सबको मालूम है बारिश में बेघर होना होगा, किसी ऊंचे स्थान पर शरण लेना पड़ेगा, भीख मांगकर खाना पड़ेगा, आदत बन गई है, अब तो लोग शिकायत भी नहीं करते। इसके बाद तो फिर ये जो फ्लैट फाइटिंग का भी काम शुरू हो रहा है, ये जो होके जाएगा तो फिर 1 साल कोई झांकने के लिए भी ना आएगा। यानी जिस वक्त बाढ़ जी जिस वक्त बाढ़ आता है उसी बार फ्लैग फाइटिंग का आता है जल संसाधन विभाग से आदमी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इससे पहले किसी भी जी जी नहीं कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। हमारे हुक्मरान चांद तारे पर जाने की बातें करते हैं लेकिन आज तक बाढ़ का अस्थाई समाधान नहीं निकाल सके। हाय जरूर है कि बाढ़ पीड़ित की हालत हर साल खराब होती जा रही है, वहीं बाढ़ राहत का वितरण करने वाले लोग उसी संसाधन की बदौलत हर साल अमीर होते जा रहे हैं। कहा तो जाता है कि कुछ लोग हर साल बाढ़ आने के इंतजार में रहते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।